तो भाई लोग, जस्ट अभी मैंने एक टीजर देखा और उस टीजर को देख के मजाक नहीं कर रहा, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए। उस टीजर का नाम है छावा, फिल्म आने वाली है जिसमें हमें विकी कौशल नजर आने वाले है एज श्री छत्रपति संभाजी महाराज। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे इस टीजर में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सच में मुझे इस टीजर के बारे में या फिर इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि इसमें विकी कौशल है और इस फिल्म को दिनेश विजन डायरेक्ट करने वाले हैं या फिर प्रोड्यूस करने वाले हैं, अभी मैंने चेक नहीं किया। बट हाँ, दिनेश विजन का हाथ है और मैडो फिल्म्स का हाथ है, तो जेन्युइनली मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड रहूंगा। तो टीजर को भी मैं एक्साइटमेंट के साथ ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही टीजर में विकी कौशल ने डायलॉग बोला कि शेर के बेटे को छावा कहते हैं, तभी भाई साहब ऐसे गूज़बम्स आ गए और मैं वहीं पे समझ गया कि ये फिल्म किस डायरेक्शन में जाने वाली है और किस कैरेक्टर को हमें दिखाने वाली है। सच कह रहा हूँ, छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी अगर आप लोगों को पता है तो क्या खतरनाक ही स्टोरी है। मतलब वो अपने आप में ही एक दिल बौखला देने वाली, गूज़बम्स लाने वाली और मोटिवेट करने वाली स्टोरी है, जिसके लिए मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ और मैं देखना चाहता हूँ ये लोग इस स्टोरी को, रियलिटी को फिल्म में किस तरीके से दिखाते हैं। सच में पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुझे बचपन में हिस्ट्री ये सब्जेक्ट उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, और जब स्कूल में था मैं हिस्ट्री में उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन जब थोड़ी सी समझ आई और मैं 11th 12th में गया था, तब मैंने यूट्यूब पे एक ऑडियो सुना था जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी को नरेट किया जा रहा था, और मैंने उस ऑडियो को पूरा हेडफोन लगा के कान में सुना और मैंने जो फील किया उसे सुन के, मतलब कमाल है यार। ऐसे भी लेजेंड्स थे जिनके बारे में सुनने में ही ऐसा लगता है कि वो एक फेरी टेल है। ऐसा कोई कैसे ही कर सकता है, उस स्टोरी को सुन के इवन आंखों में पानी भी आ गया था। और अब वही स्टोरी अगर मुझे फिल्म में देखने को मिल रही है, सच में वो एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट, अलग ही लेवल की हाइप, और एक है ना कि अपनी हिस्ट्री है वो, तो उसे देखने में अलग ही लेवल का मजा आने वाला है, सच कह रहा हूँ। और अगर मैं इस टीजर की बात करूँ तो टीजर में हमें ज्यादा कुछ वैसे भी दिखाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकी कौशल के लुक के और किस तरीके से वो लोगों से लड़ रहा है, मतलब जिस तरीके से हमें दिखाया है उनका रेज मूवमेंट जो दिखाया है, सच में कमाल है। और जो सिनेमाटोग्राफी और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से किया गया है, एटलीस्ट टीजर में जिस तरीके से लग रहा है, सच में आई एम इम्प्रेस्ड। और टीजर देख के लग रहा है कि इन लोगों ने इस फिल्म में कोई भी होल्ड बैक नहीं किया है। मतलब ब्लड को भी साफ साफ दिखाया गया है कि मतलब उस समय पे जिस तरीके से वॉर्स हुए होंगे, किस तरीके से खून बहा होगा, सब कुछ आएगा इस फिल्म में हमें दिखाया जाएगा, जो सच में इंटरेस्टिंग रहेगा। और जिस स्टोरी को और जिस हिस्ट्री को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कानों से सुना है या फिर पढ़ा है, उसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखने में अलग ही लेवल का फील होने वाला है, मैं बता भी नहीं सकता। और मैं भी जानता हूँ छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी से कितने लोग जुड़े हुए हैं, और अगर इन लोगों ने इस फिल्म को अच्छा बनाया, जस्टिस दिया उस लेजेंड को, तो सच में कमाल ही हो जाएगा और बिग स्क्रीन पे इसका मजा कुछ और ही आएगा। सच कह रहा हूँ, टीजर देख के मुझे लिटरली गूज़बम्स आए। अगर रिएक्शन देखना है तो जाके मेरे सेकंड चैनल पे देख लो। मैं खुद भी शॉक में था क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि इसमें हमें छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी दिखाई जाएगी। और हाँ, मैं इस फिल्म के लिए बिक गया हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस फिल्म को तो देखने ही वाला हूँ, इसका रिव्यू भी आएगा। खैर, टीजर जेन्युइनली मुझे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा पसंद आया, और इस फिल्म को लेके मेरी एक्साइटमेंट और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने देखा है सच में कमाल है। इतना सा ही हिंट हमें दिया है और वो भी कमाल का है। खैर, आई नो टीजर आप लोगों को भी पसंद आया है, लेकिन फिर भी मुझे बता देना कि टीजर आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ अगर मेरा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। साथ ही साथ मैंने इस टीजर के ऊपर रिएक्शन भी किया है, मेरे सेकंड चैनल पे जाके देख लेना या फिर स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रहा होगा, टैप करके देख लो। सो मिलता हूँ इसी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओ लगा ही था मुझे।